स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो सुनिए कि फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड नो वन विल रिस्पेक्ट अस इन द वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। यानी जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा तब तक कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। इस दुनिया में डर का कोई स्थान नहीं है, शक्ति ही शक्ति का आदर करती है। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया की पॉलिसीज वर्ल्ड ऑर्डर को पीसफुली स्टेबल बनाए रखने की तरफ टिल्टेड रही हैं, जहां हमने मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस डॉक्ट्रिन के तहत नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। लेकिन फिर भी चाइना और पाकिस्तान जैसे नेबर से आने वाले कॉन्स्टेंट चैलेंजेस से निपटने के लिए इंडिया कंटिन्यूसली अपनी डिफेंस पावर को और मजबूत करता गया है, जिसके लिए हम रशिया, यूएस और फ्रांस जैसी कंट्रीज के साथ वेपन डील्स साइन करते रहे हैं। लेकिन इन देशों में सबसे खास है रशिया। दोस्तों, रिसेंटली रशियन न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स ने इस बात का खुलासा किया कि लास्ट 5 ईयर्स में रशिया और इंडिया के बीच डिफेंस ट्रेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है और इंडिया ने लास्ट 5 ईयर्स में 14 से 15 बिलियन डॉलर्स यानी 1 लाख करोड़ रुपीस के वेपन्स रशिया से परचेज किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अकेले रशिया के वेपन्स का 20% परचेज करता है। लेकिन इस रिपोर्ट के विपरीत ये भी सच है कि पहले के मुकाबले अब इंडिया आर्म्स एंड वेपन्स खरीदने में ज़्यादा चूजी हो गया है और अपनी रिक्वायरमेंट्स और कॉस्ट जैसे सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख कर ही किसी भी कंट्री से डील फाइनल कर रहा है। साथ ही डिफेंस सेक्टर में भी मेक इन इंडिया पॉलिसी को प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया अब किसी कंट्री से कोई वेपन खरीदने के बजाय उसकी टेक्नोलॉजी शेयर करने और इंडिया में ही उसे डेवलप करने पर जोर देता है। यही वजह है कि किसी भी कंट्री को इंडिया को कोई भी हथियार बेचने के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर रिसेंटली यूएस बेस्ड आर्म्स टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लॉकहीड मार्टिन अपने F-21 फाइटर जेट्स को इंडियन डिफेंस रिक्वायर्ड में परफेक्ट फिट इन बताते हुए इंडियन अथॉरिटीज़ को लुभाता हुआ नजर आया। साथ ही एरो इंडिया 2023 एडिशन के दौरान भी लॉकहीड मार्टिन ने अपने नेक्स्ट जनरेशनल F-35 एयरक्राफ्ट को इसी मकसद से एक्सपो में प्रेजेंट किया। दोस्तों, इसी तरह रशिया भी अपने लीथल टैंक T-14 अर्माटा के लिए पिछले कई साल से कोशिश कर रहा है। अब एक बार फिर उसने इंडियन आर्मी के लिए फ्यूचर में बैटल टैंक के जॉइंट डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया के साथ अर्माटा टैंक टेक्नोलॉजीज शेयर करने की इच्छा जताई है। रशिया के फेडरल सेक्रेटरी फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन यानी कि FSMTC के डिप्टी डायरेक्टर व्लादिमीर द्रोजोव ने एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन में कहा है, रशिया इंडियन आर्मी के फ्यूचर MBT के जॉइंट डेवलपमेंट के लिए अर्माटा टेक्नोलॉजीज शेयर करना चाहता है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम T-14 अर्माटा के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से हम रशिया की तरफ से T-14 अर्माटा को लेकर किए जा रहे दावों को भी एनालाइज करेंगे। हमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में T-14 अर्माटा इंडिया के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा या फिर इंडिया किसी दूसरे देश से अपने टैंक्स की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और UPSC मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ hours का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 20th February को हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के साथ वॉर की वजह से रशिया को ग्लोबल इकोनॉमिक सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को रिवाइव करने के लिए फ्रेंडली नेशंस के साथ वेपन्स की डील को लेकर पहले से ज्यादा हरी मोड में काम कर रहा है। इसी दिशा में काम करते हुए उसने इंडिया को अप्रोच किया, जहां रशिया की तरफ से
T-14 अर्माटा की टेक्नोलॉजी को इंडिया के साथ शेयर करने की पहल की गई। हालांकि इस डील को लेकर रशिया की तरफ से पहले भी कई बार प्रयास किए जा चुके हैं। दिसंबर 2021 में भी जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया रशिया समिट के लिए इंडिया आए थे, तब भी रशिया की तरफ से T-14 अर्माटा की टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करने के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। वहीं इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके रशियन काउंटर पार्ट सर्गी शोइगु के बीच हुई मुलाकात के दौरान भी ये मुद्दा उठाया गया था। रशिया जानता है कि इंडिया खुद ही टैंक बनाने में केपेबल है और पिछले कुछ सालों में वो मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है। यही वजह है कि रशिया T-14 निर्माता को डायरेक्ट सेल करने के बजाय टेक्नोलॉजी शेयर करने और इंडिया के साथ मिलकर इंडिया में ही इंडियन आर्मी के लिए फ्यूचर टैंक डेवलप करने को लेकर अप्रोच कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या T-14 अर्माटा हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट का जिग्सॉ पजल का वो आखिरी पीस बन सकता है क्या? और इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए आइए हम नजर डालते हैं T-14 अर्माटा की खूबियों पर। दोस्तों, T-14 अर्माटा वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मेन बैटल टैंक यानी MBT है, जो फुली डिजिटल सिस्टम से इक्विप्ड है, जिसे एक नेक्स्ट जनरेशन टैंक माना जाता है। अर्माटा एक अनमैन्ड टरेंट है जिसे रशियन कंपनी उरालवा गोंजावोड ने इस टैंक को डेवलप किया है। दोस्तों, टोरेट किसी टैंक के ऊपर मौजूद इस हिस्से को कहा जाता है। ट्रेडिशनली टैंक के इस हिस्से में किसी व्यक्ति को बिठाया जाता है, लेकिन T-14 में टोरेट को अनमैन रखा गया है। दरअसल इस टैंक को डेवलप करने का काम रशिया ने साल 2011 में शुरू कर दिया था, जहां अर्माटा को T-95 टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया था। हालांकि T-95 की खासियत को देखते हुए उसके कुछ टेक्नोलॉजीज को T-14 अर्माटा में भी शामिल किया गया है। रशिया ने T-14 अर्माटा के अपने पूरे प्रोजेक्ट को हाई सिक्रेसी में रखा था। 2013 में रशियन मिलिट्री ऑफिशियल्स के सामने इसका फर्स्ट मॉकअप किया गया था। वहीं 2015 में इसे पब्लिकली रिवील किया गया था। रशिया ने मॉस्को विक्ट्री डे परेड में इसे दुनिया के सामने पेश किया था। अर्माटा को एक मॉड्यूलर बैटल प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया गया है। साथ ही इसका इस्तेमाल आर्मर्ड व्हीकल्स जैसे लार्ज इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स IFVs और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स यानी APC की तरह भी किया जा सकता है। रशिया आर्म्ड बैटल टैंक T-90 टैंक से काफी बड़ा है और ये लगभग जर्मन मेन बैटल टैंक लेपर्ड 2A7 के बराबर है। T-40 निर्माता एक अनमैन टरेट से इक्विप्ड है और क्रू हल के फ्रंट में लोकेटेड है। ये न्यू अनमैन रिमोट टरेट न्यू जनरेशन की 125mm 2A82 1M स्मूथ बोर गन के साथ ऑटोमेटिक लोडर से इक्विप्ड है। टरेट में रेडी टू यूज राउंड सहित एमिनेशन के 45 राउंड अवेलेबल है। इसकी मेन गन से 7 से 12 किलोमीटर रेंज वाली न्यू लेजर गाइडेड मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसके एंटीक्राफ्ट मिसाइल से वर्ल्ड की लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे हेलीकॉप्टर या छोटे ड्रोन्स को मार गिराया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम रोड स्पीड 80-90 किलोमीटर/आवर है। इसका वेट लगभग 50 टन है। इसमें क्रू के लिए रोबस्ट आर्मर्ड कैप्सूल बना हुआ है, जिस पर मिसाइल अटैक का भी असर नहीं होता। ये टैंक एक्टिव एंडायनेमिक प्रोटेक्शन से इक्विप्ड है, जो एक पावरफुल कैनन और एक ऑटोमेटिक रीलोडिंग सिस्टम के साथ रिमोटली कंट्रोल कॉम्बैट मॉड्यूल से इक्विप्ड है। T-14 निर्माता के टावर एंड हल के पेरीमीटर के साथ ऑब्जर्वेशन, एमिंग और थ्रेट डिटेक्शन के लिए ऑप्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंस्टॉल किए गए हैं। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक अर्माटा T-14 टैंक की मेन कॉम्बैट कैरेक्टरिस्टिक हाई डिग्री ऑफ पैसिव एंड एक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन है, जो किसी भी दूसरे आर्मर्ड व्हीकल से सुपीरियर है। वहीं हाई क्रॉस कंट्री मोबिलिटी और ग्रेट फायर पावर इसे और भी लीथल बना देते हैं। दूसरा, रशिया का कहना है कि इंडिया के ज्यादातर मौजूदा टैंक्स मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और फायर पावर के मामले में टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हैं, जिनमें इंडिया के पास अवेलेबल रशियन मेड T-72 और T-90 टैंक्स भी शामिल हैं। रशिया की तरफ से T-14 निर्माता के रिकॉर्डिंग ऑफर ऐसे समय में सामने आया जब इंडिया अपने वेस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंटियर्स पर ड्यूअल थ्रेट को काउंटर करने के लिए मॉडर्न मेन बैटल टैंक्स के एक्विजिशन में तेजी लाया है। जून 2021 में आर्मी के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अप्रोच के द्वारा 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी FRCVs एक्वायर करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करी गई थी। इसके तहत 2030 तक फ्यूचर टैंक का एक्विजिशन किया जाना है। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1770 FRCVs के अलावा दूसरे मेंटेनेंस और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी भी परचेस की जाएगी। आर्मी के मुताबिक सुपीरियर मॉडर्न टैंक प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में फंक्शन करने में केपेबल होना चाहिए। वहीं रशियन ऑफिशियल्स इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि अर्माटा यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म एंड डिमांड्स को फुलफिल करने में सक्षम है और इंडियन आर्मी को अपने
एडवर्सरियल फोर्सेस के अगेंस्ट पोटेंट डिटेरेंट दे सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक T-14 -50 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में भी बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकता है। साथ ही ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में भी इजिली फंक्शन कर सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और चाइना के चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए इंडिया को जिन टैंक्स की रिक्वायरमेंट है उन्हें वो माइनस टेम्परेचर और हाई ऑल्टीट्यूड में भी इजिली डिप्लॉय कर सकता है। यही वजह है कि T-14 निर्माता को इंडियन रिक्वायरमेंट के लिए फिट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि T-14 इंडियन आर्मी के लिए चाइना के अगेंस्ट पोटेंट डिटेरेंस हो सकता है, क्योंकि चाइना हमेशा ये दावा करता है कि उसके पास नोरिंको द्वारा मैन्युफैक्चर VT-4 टैंक है जो दुनिया के बेहतरीन टैंक्स में से एक है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वाकई T-14 चाइनीज VT-4 के बराबर है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि यदि इंडिया T-14 को अपनाता है तो अनडाउटेडली इसके लिए फ्यूचर के मेन बैटल टैंक के लिए ये एक रिलायबल फाउंडेशन होगा। वहीं बड़ा सवाल ये है कि T-14 निर्माता बैटल फील्ड में कितने सक्षम है। हालांकि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ T-40 निर्माता टैंक को डिप्लॉय किया है जिससे उसे काफी मदद भी मिली है, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है कि कई टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज ने टैंक के डेवलपमेंट में रुकावट पैदा कर दी है। ब्रिटिश MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 25 जनवरी को अपनी इंटेलिजेंस असेसमेंट में इस बात का खुलासा किया है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि रशियन फोर्सेज रिसेंटली उसे दिए गए T-14 के फर्स्ट बैच को एक्सेप्ट करने में हेजिटेंट कर रही है। ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि यूक्रेन ने US मेड TOW-2B एंटी टैंक वेपनरी से 3 T-14 को डैमेज किया था और एक को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया T-14 निर्माता टैंक्स के डेवलपमेंट में आई लागत को चुकाने के लिए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। साथ ही रशियन डिफेंस इंडस्ट्री करेंटली US लेड सैंक्शंस के प्रेशर में भी है। ऐसे में रशिया प्रोबेबली अपने डिफेंस इंडस्ट्री को रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर रशिया की तरफ से T-14 निर्माता के लिए पिच किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया वाकई रशिया से इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या फिर किसी और कंट्री से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। वैसे पिछले दिनों इंडिया ने इस बात की घोषणा की थी कि वो खुद प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लाइट वेट 354 टैंक का निर्माण करेगा, जहां सेल्फ रिलायंट डिफेंस सेक्टर के अंडर इस मेगा इंडिजिनस प्रोजेक्ट में 59 लाइट टैंक्स DRDO डेवलप करेगा और बाकी 295 टैंक्स गवर्नमेंट फंडेड डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर बिल्ड किया जाएगा। दरअसल ईस्टर्न लद्दाख में चाइना के साथ करंट कन्फ्रंटेशन के दौरान हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के लिए लाइटवेट टैंक्स की जरूरत महसूस की गई थी ताकि इन्हें 8 से 10,000 फीट की हाइट पर ले जाया जा सके। उम्मीद की जा रही है कि DRDO का फर्स्ट लाइट टैंक प्रोटोटाइप इसी साल के मिड तक रोल आउट किया जाएगा। इस लिहाज से इंडिया को जल्द ही इंडिजिनस टैंक मिल सकता है। इसके अलावा इंडिया के पास साउथ कोरिया में बैटल टैंक K2 ब्लैक पैंथर का भी ऑप्शन है, जिसका नाम दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट टैंक में शुमार है। वहीं जर्मन मेन बैटल टैंक लेपर्ड 2A7 भी इंडिया के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। ये वही टैंक है जिसने रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को काफी नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों इंडिया मौजूदा वक्त में अर्जुन T-90 भीष्म T-72 अजय और T-55 MBT जैसे टैंक्स यूज कर रहा है। इनमें T-90 रशियन टैंक है और इंडिया ने इसका नाम भीष्म रखा है। वहीं T-72 सोवियत पीरियड का टैंक है जिसे इंडिया में अजय कहा जाता है। T-72 अजय कई सालों से सर्विस में है और अब इसे रिटायर करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि इंडिया इसके बदले रशिया T-40 निर्माता को प्रेफरेंस देता है या फिर किसी और कंट्री के टैंक पर फोकस करेगा। वैसे रशिया इंडिया का पुराना स्ट्रेटजिक पार्टनर रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडिया अपनी पॉलिसी को वेस्टर्न या ईस्टर्न सेंट्रिक ना करते हुए सेल्फ रिलायंस की ओर मोल्ड कर रहा है। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि इन सभी पहलुओं पर सोच विचार करते हुए जल्द ही इसको लेकर कोई डिसीजन फाइनल किया जा सकेगा और इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा। एंड विद दिस थॉट माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, रिसेंटली सीन इन न्यूज, चूज द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग प्रोजेक्ट जोरावर। ऑप्शन ए, इंडक्शन ऑफ इंडिजिनस लाइट टैंक्स फॉर क्विकर डिप्लॉयमेंट एंड मूवमेंट इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। ऑप्शन बी, मेकिंग इंडिजिनस ड्रोन्स फॉर सर्विलेंस रिक्वायरमेंट इन बॉर्डर एरियाज। ऑप्शन सी, इट्स रिवाइव्ड वर्जन ऑफ कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज फॉर मेकिंग इंडियन वाटर्स स्मगलिंग फ्री। ऑप्शन डी, बिल्डिंग न्यू चेक पोस्ट नियर LAC टू काउंटर चाइनीज इंसर्जेंसीज। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।